नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। सो दोस्तों, सुबह सुबह अभी यहाँ पे बैठे हुए हैं और चलेंगे आज खेत में काम करने के लिए। दोस्तों लेवल करना है, आज बैलों से लेवल करेंगे। और दोस्तों देखिए, फ्रेश होके और अभी मशरूम का चरपा खा रहा है यहाँ पे। कैसा लग रहा है सूरज? बहुत अच्छा है ना। और सूरज का बाल हम कटिंग कर दिए हैं, थोड़ा कैसा है थोड़ा कमेंट कीजिए, है ना। हल्का अब लगता होगा। हाँ, और संध्या भी खा ली है। अभी खेल रही है, देखिए एक ठो मूली को काट रही है, बगल वाले भैया का मूली है ये, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा दिए हुए हैं। और संदीप उधर खा के बैठा हुआ है अभी। हाँ, मशरूम ढूंढने गया था तो चोर चोटा लग गया है, तो वही निकाल रहा है अभी खा के। जैसा बोल रहा था, उठ के अचानक उठा, बोला गया था। आज पीछे हो गया सूरज, कल तो लाया था पूरा, यही दोनों भाई लाया था। हाँ हाँ, और इधर हम लोग का खाना अभी बनने का शुरू हो गया है दोस्तों। चावल चढ़ा दी है, खाना भी दे है। हाँ, और ये तो तरफ आ गए हैं। और ये देखो जितने भी बीड़ा वहाँ पे था सब इधर कर लिए, और वहाँ पे हल चलाएंगे अभी। तभी एक दो राउंड घुमा दे रहे हैं अभी बैलों का किसान, हल चलाएंगे अभी। और ये देखिए तो पूरा ज्यादा हर लग रहा है। बैलों का मालिक एक दो राउंड घुमा दिए और अब हम फल चला रहे हैं। पता पूरा देखिए कितना ज्यादा लग रहा है। दोस्तों हल जोत के पूरा कर लिए, पूरा जोताई कर दिए, अच्छा पूरा कादो हो गया एक ही बार में। पहले से यहाँ ट्रैक्टर से जोता हुआ था, पूरा काट हो गया। अब लेवल करेंगे, दोस्तों इधर थोड़ा कोना टाइप का है तो इधर बैल नहीं घुसे, इधर घूमने में थोड़ा दिक्कत होता है उन लोग को भी, इसलिए इधर वाला काट दे रहे हैं। तो दोस्तों ये साइड में ऊंचा ऊंचा है, काट के इधर कर दे रहे हैं। और इधर देखिए भैया लेवल कर रहे हैं, तो कितना अच्छा गीला मिट्टी हो गया। इधर हम पूरा काट काट के इधर साइड कर देंगे, साइड में ऊंचाई ऊंचाई रह जाता है। पूरा काटी कुछ करेंगे दूर ताकि अच्छे से लेवल होगा। मेरा वाला पूरा लेवल कर दिए भैया, और अपना और हल चला रहे हैं वहाँ पे। देखिए हम लोग पहले वहाँ आरी बनाए थे, वहीं पे वो अब अपना कर रहे हैं। चलते हैं, इसमें खाद छिड़काव कर देते हैं, और उधर धान का बीहन है वो सब भी लगा देंगे। और ये सब घास है, ये सब अंदर रहेगा तो सड़ेगा जल्दी। दोस्तों दतवन तोड़ लिया है, दतवन भी करते जाएंगे, और देखते हैं खाना उना बना होगा तो खाना भी खा लेंगे और आएंगे खाद लेकर।
और दोस्तों यहाँ पर भी धान लगाना था, पर वो वाला ईंट बनाए ना, तो यहाँ पे देखिए इस तरह से मिट्टी थोड़ा हो गया है इकट्ठा, ये साइड भी हुआ है और ऊंचा नीचा गड्ढा टाइप का हो गया है, तो ये सब में थोड़ा लेबल है, तो इस तरह से काट काट के और लगा देंगे, जहाँ तक समतल है वहाँ तक लगाएंगे। देखिए कितना बड़ा बड़ा घास हो गया, पूरा कटिंग करके और अभी इसको इस तरह से खून देंगे और लगा देंगे। इतना सा कोड़ाई कर लिए और अब बाद में करेंगे दोस्तों, खाना खा के आते हैं पहले, उसके बाद में फिर इधर कर देंगे। चलिए चलते हैं, कुदाल को यहीं से देते हैं, इधर झाड़ी तरफ फिर आएंगे। यहाँ रह यहाँ पे धो लेते हैं, पानी निकल रहा है, आ रहा है, नाल पे पहुँच गए। और चलिए यहाँ पे धो लेंगे, पूरा मिट्टी लग गया। धो धा के फ्रेश हो गया, दरवाजा लॉक करके है। सूरज सब क्या कर रहा है, देखिए नहा धो के फ्रेश हो गया है, सुबह से पानी आ रहा है इसलिए स्कूल नहीं जा पाया। अच्छा अच्छा संडे भी है ना। और इधर सूरज इधर क्या हमारा आते ही इधर छुप गया है कोने में, संध्या भी छुप रही है देखिए। हाय और संदीप खाना निकाल ले रहा है। हाँ सब कुछ खाएंगे, अब जितना जितना खाने सकता है उतना उतना निकाल लेता है अपने मर्जी से। मम्मी अच्छा, तीनों बैठ गए खाने में, ये देखिए तीनों बैठ गए खाने के लिए। हाँ हम नहीं खाए थे ना, तो ये रात वाला रोटी है मशरूम का चारपा। संध्या भी खाई थोड़ा सा, खाओ भात खाओ। और ये देखिए पानी लेके आ गई और हम खाना निकाल लिए दोस्तों। ये रहा मशरूम का सब्जी और ये सारुकंदा का है, ये सब्जी सारुकंदा का पत्ता का, ये भी बहुत ही अच्छा लगता है। पिछर पिछर और मिर्चा भी डाल दी थी। खाना खा लिए और अब संध्या का मम्मी भी देखिए खा रही है मशरूम का सब्जी के साथ, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा तो कैसा लग रहा है। हाँ और ये वाला साग का सब्जी देखिए, ये सारू का दा वो भी अच्छा लगता है। तो दोस्तों खाना पीना खा के और थोड़ा देर रेस्ट भी कर लिए और अब चलेंगे खेत की ओर, क्योंकि कादो कर दिए हुए हैं भैया, हम जोताई कर दिए, हम जोताई किए वो लेवल कर दिए। तो चलिए ये वाला बंद कर रखो और बच्चे सब घर में रहेंगे तो अभी मौसम साफ है तो उधर बाहर तरफ उधर खेल रहे हैं। खाद दोस्तों देखिए इतना सा डीएपी खाद है, इसको पहले छिड़काव कर देंगे फिर धान लगाएंगे। सभी दरवाजा को लॉक कर दो, मतलब कि ताला लॉक नहीं करना है, इसको थोड़ा घाम देता है सूख जाएगा, सिर्फ दरवाजा को लगा दो, इधर कुत्ता उत्ता नहीं घुसेगा। और पानी ले जाने के लिए बोतल भी ले ली है, वहाँ नलका पे भर लेगी।
इधर आंगन होके जाना पड़ता है, उधर से रास्ता नहीं। पूरा जन राउंड मकई उकई लगाना है, कोरना उरना दे दिया है, पूरा घास इसलिए चिकन चिकन जा रहा है। इधर से और यहाँ पे इतना सा कोड़ाई कर दिए हैं, तो देख रही है ठीक है ना। ये किधर बचा हुआ है, और जहाँ पे कादो हुआ है वहाँ पे पहुँच गए। अच्छा लेवल हुआ है ना? हाँ तो सबसे पहले इसको छिड़काव कर लेते हैं ना। सुबह में इतना पानी नहीं था लेकिन अभी पूरा भर, थोड़ा सूखा दीजिए ना, तो खा लेंगे ना, छोड़ दो ज्यादा पानी है। दोस्तों खाद का छिड़काव कर लिए और ये सब अब लगा देते हैं खेत में। संध्या का मम्मी रोपेगी। हाँ हाँ, एक कलर रोपेगी ये सब घास इस तरह से लगाएंगे। पूरा खेत में बीहन डाल दिए, देखिए इस प्रकार, और बीच से अब रोपाई चालू होगा। और वहाँ बचा हुआ है उसको हम कोड़ने जा रहे हैं। हाँ, घास वाला हाँ एक साइड से शुरू करेगी, सोच रहे थे कि बीच से शुरू करेंगे लेकिन फिर क्या मन हुआ तो उधर से शुरू करने जा रहे हैं। चलिए कहीं से भी रोपाई करना है और चलते हम वहाँ पे कोड़ाई करते हैं। चलिए चप्पल को यहाँ रखते हैं और कोड़ते हैं वहाँ पे। ये रहा कोड़ी, और कोड़ेंगे यहाँ पे पूरा जहाँ तक से लेवल था वहाँ तक से पूरा कोड़ाई कर दिए जी कुदारी में। और यहाँ पे अब लगेगा धान, और ये जो हरा हरा दिख रहा है फिर से इसको थोड़ा थोड़ा इस तरह पैर से दबा देंगे तो फिर ये गायब हो जाएगा।